अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल डिज़र्ट रेसिपी कस्टर्ड शेवई। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पैन लेके उसमें लिए है 1 टेबलस्पून घी। अब इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, आमंड, खजूर, किशमिश और काजू बादाम चॉप्ड करके लिए हो। सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब 1/2 कप सेवई लेके उसको भी थोड़ा भून लेंगे। देखिए जब इस तरह से हो जाएगा तब सेवई को प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में ही लेंगे 1/2 लीटर दूध। लेंगे 2 इलायची। दूध में 1 उबाल आने के बाद ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। जो सेवइयां भून के रखी थी अब वो दूध में ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे। एक कटोरी में 2 चम्मच दूध लेके उसमें 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। एक बार में ही सारे ऐड नहीं करना है। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो गाढ़ा हो जाएगा ज़्यादा। कस्टर्ड सेवई एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। चलिए अब बनाते हैं नवाबी सेवई। ये भी बहुत आसान है। एक पैन में लेंगे 3 चम्मच घी। पहले ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे आमंड ली हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। लिए है 300 ग्राम लच्छा सेवई। इसको हम हाथ से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिए हैं। अब इसको भी अच्छे से घी के साथ भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप चीनी। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। ऐड कर देंगे 1/4 कप दूध पाउडर। अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए।
एक पैन लेके उसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। लेंगे 1/4 कप दूध पाउडर, 1/2 कप कॉन्डेंस्ड मिल्क, 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको लगातार लो टू मीडियम फ्लेम में चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे जल जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। देखिए इसका थिकनेस कुछ ऐसा रहेगा। अब एक कटोरी लेके पहले भुना हुआ सेवई आधा डाल देंगे। अच्छे से देखिएगा, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही करिएगा। अब सारे क्रीम को इसके ऊपर डाल देंगे। बचा हुआ सेवई क्रीम के ऊपर डाल देंगे। गार्निशिंग के लिए ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब इसको 4-5 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे अच्छे से सेट होने के लिए। फ्रिज से निकल लिए, अब इसको सर्व करेंगे। बन गए ना, कितना आसानी तरीके से ना अभी सेवई। ये देखने में भी जितना डिलीशियस है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इस ईद में आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा ये रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।